मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछौर तहसील के उमरी कला गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महुआ नदी पर पुल बनाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से ग्रामीणों को नदी में उतरकर और भैंसों की पूंछ पकड़कर नदी को पार करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति गांव में बीमार हो जाता है तो उसे ट्यूब पर लेटाकर नदी पार कर अस्पताल पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नदी पर स्टॉप डैम बनाया गया था, जिसके कारण नदी में पानी रहता है और काफी ज्यादा समस्या होती है। उमेश प्रजापति, कहाँ से आए हैं? उमरी कला कनेरे कनेरी से। कलेक्टर ऑफिस में आए थे अभी सर। क्या समस्या लेके आए? समस्या सर, हमारे ग्रामीण जनों की ये समस्या है कि महुआ नदी के ऊपर पुल बनने के कारण उसके नीचे एक चेक डैम बना हुआ है, जिस कारण से कम 10 वर्ष से वहाँ से किसान या फिर कोई भी जन नहीं निकल पाते हैं सर। और पानी के भराव के कारण वो भराव रहता है, पूरी वर्ष रहता है, 12 महीने रहता है वो भराव। तो जिस मुख्यालय से कट रहा है, सड़क से तो दूर है सर, कम से कम मुख्य सड़क से 10 किलोमीटर अंदर है। आते जाते हैं, पशु को पूछ पकड़ कर आते हैं या फिर ट्यूब पे बैठ कर आते हैं सर। इस कारण से हमारे कई पशु भी बह चुके हैं और किसी व्यक्ति के लिए भी परेशानी होती है, सब कोई नहीं निकल पाते। मरीज वगैरह को ट्यूब पे बैठा के लाते हैं सर। हाँ सर, इससे पहले भी हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं तो जो कहते हैं कि हाँ बनवा देंगे सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम देखवा लेंगे, उसके लिए जो कुछ भी होगा तो हम उसके लिए सर्वे करवा लेंगे उसका। कितने गांव आते हैं उसके सर? 3 गांव आते हैं उसके। आबादी कितनी होगी? आबादी लगभग 5,000 के करीब होगी। मनपुरा से आए थे, उनका कहना ये है कि उनको नदी में से निकलना पड़ता है, काफी परेशान है, कोई रास्ता नहीं है। क्या मामला? अभी जो देखने में अभी तक समझ में आया वो ये है कि एक पुल चाहिए। नदी है महुआ नदी, उसके ऊपर उनके बताए अनुसार 150 मीटर का स्पान का पुल बनेगा। अब वो बड़ा काम है चूँकि, इसलिए अभी तो केवल ये तय कर पाए हैं कि उसका एस्टिमेट बुला लें और फिर उस एस्टिमेट की राशि के हिसाब से तय करेंगे कि क्या हम ये जिला स्तर से इसमें कुछ कर पाएंगे या हमको शासन की मदद लगेगी। इस दरमियान जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भी थी, उपाध्यक्ष जी भी थे और सुनवाई के पश्चात एक और जिला पंचायत के सदस्य माननीय शर्मा जी भी आ गए हैं, तो ये इनके संज्ञान में भी लाया है और विचार करेंगे कि जिला पंचायत की निधि का उपयोग हो सकता है क्या, या फिर कोई बड़ी रकम होगी तो हो सकता है शासन से अनुरोध करना पड़ेगा।